परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में देर रात एक प्रॉपर्टी कारोबारी पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घायल को गंभीर हालत में उपचार के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के भंडारी ब्रिज के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी कारोबारी ललित प्रजापत पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ललित को गंभीर हालत में उपचार के लिए एम्स अस्पताल लाया गया। प्रारंभिक जांच में पर्स सहित कई चीजें गायब मिली है। प्रजापत, ललित प्रजापत कहाँ रहते हैं? देवनगर। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ में भैया कोई तीजा इन्होंने लूटमार करी। कहाँ पे? यहाँ पर भंडारी बीच के पास में। क्या क्या ले गए? तो पर्स ले गए हैं, वो शायद पर्स में कुछ सामान वामान रखा था कुछ, वो भी ये शायद कहीं काम से गए थे, ये तो कुछ काम से गए थे। वहाँ पर आधा घंटे बाद फोन आया कि ऐसा था, हो गया इनके साथ में। बस घर से कुछ बोल के गया था कि आर्या को से मिल गया, मेरे दोस्त से ये प्रॉपर्टी बुक का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।